गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस और गुड डे फॉर द पब्लिक स्कूल जियोग्राफी ऑफ क्लास 8 लेसन 5 इंडस्ट्री। इससे पहले आपके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है और अपलोड हो चुकी है, आप उसे देखिए। इससे पहले का चैप्टर जो है उसमें क्लियर करवा दिया गया है। अब मैं आपको इंडस्ट्रियल सिस्टम से करवाने जा रही हूँ। इंडस्ट्रियल सिस्टम, एन इंडस्ट्रियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या होता है? इसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होती है और आउटपुट होता है, यानी कि रॉ मटेरियल हो गया जो कि हम इनपुट करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। जब आउटपुट आता है तो एक नया मटेरियल बनके, यानी कि एक नया प्रोडक्ट बनके आ जाता है हमारे पास। द इनपुट आर द रॉ मटेरियल, लेबर एंड कॉस्ट ऑफ लैंड। जो इनपुट है वो क्या है? एक तो रॉ मटेरियल कच्चा माल, दूसरा लेबर और तीसरा कॉस्ट ऑफ लैंड। ये इनपुट है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि कच्चा माल लेना पड़ेगा, लेबर चाहिए हमें और कॉस्ट ऑफ लैंड, कि हमें जो लैंड चाहिए उसकी कॉस्ट हम देंगे तभी लैंड अपने को मिल पाएगी। ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें हमारी आती हैं इनपुट में। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, पावर चाहिए या फिर दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमें चाहिए, ये हो गया इनपुट। अब आता है प्रोसेसिंग। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने के बीच में होती है। द प्रोसेस इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, इसके अंदर बहुत बड़ी रेंज एक्टिविटीज की होती है, यानी इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब ऐसा है नहीं कि हमने सबसे पहले रॉ मटेरियल को डाला और जस्ट ही हमें प्रोडक्ट मिल गया और हमने निकाल दिया। इसके लिए भी बहुत बड़ी एक्टिविटीज होती है, बहुत बड़े प्रोसीजर होता है, काम करना पड़ता है, उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है ना वो हमें मिलता है। द आउटपुट आर द एंड प्रोडक्ट एंड द इनकम अर्न फ्रॉम इट। जो आउटपुट है, एक तो वो प्रोडक्ट हो गया, एक उससे आने वाली इनकम हो गई, वो हो गया आउटपुट। आर द एंड प्रोडक्ट, ये एंड पॉइंट होता है, बिल्कुल अब परफेक्ट हो चुका है, यानी कि अब इसके बाद कोई और उसके कोई एक्टिविटी नहीं रही उसको करने के लिए, उससे आती है सिर्फ इनकम। इन केस ऑफ दी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द इनपुट में भी कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री या ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अगर हम देखें टेक्सटाइल के लिए, जो टेक्सटाइल की मिल्स होती हैं यानी कि जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें, तो जो इनपुट है वो क्या होगा? सबका अलग अलग होगा ना। जैसे रॉ मटेरियल में तो वही आ गया, रॉ मटेरियल तो वही है। जैसे अगर मान लो टेक्सटाइल का है तो उसमें रॉ मटेरियल क्या हो गया? कॉटन है, ह्यूमन लेबर है, फैक्ट्री है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। सबका अपना अपना रॉ मटेरियल होता है। अगर हमें कोई मेटेलिक चीज बनानी है तो हमें मिनरल्स चाहिए, यानी कि कच्चा लोहा, रॉ आयरन हो गया, जैसे कि आयरन ओर हो गया या कॉपर हो गया या गोल्ड हो गया, या इस तरह की हमें चाहिए जो कि रॉ होती है। और अगर हमें टेक्सटाइल बनानी है, यानी कपड़ा बनाना है, तो उसके लिए कॉटन हो गया या जूट हो गया, इस तरह की हमें चाहिए। इसमें भी ह्यूमन लेबर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चाहिए, ये इसमें भी चाहिए। और द प्रोसेस इंक्लूड गिनिंग, स्पिनिंग, वेयरिंग, वीविंग, डाइंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग द आउटपुट इन द शॉर्ट फ्यू ईयर। अब जो देखिए प्रोसेस है, इनपुट तो हमने डाल दिया, उसके अंदर कॉटन, ह्यूमन लेबर है, फैक्ट्री है और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। अब जो उसके अंदर प्रोसेस है, प्रोसेस जो उसमें होगी, सबसे पहले गिनिंग। गिनिंग क्या होती है? कॉटन में से जब सील्ड को अलग किया जाता है वो होती है गिनिंग। उसके बाद स्पिनिंग, यानी कि जब कॉटन से थ्रेड बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है, कताई जिसको कहते हैं। उसके बाद होती है वीविंग, जिसको हम बुनाई कहते हैं। जब बुनाई कपड़ा हो गया, कपड़े तैयार हो गया, अब उसके उसको डाई करना है, कलर करना है, वो हो गया डाइंग। अब कलर हो गया, उसके ऊपर अब प्रिंटिंग देनी है। जो हम कपड़े पहनते हैं वो कुछ प्लेन होते हैं, कुछ प्रिंटेड होते हैं, अब उसके ऊपर होती है प्रिंटिंग।
तो प्रिंटिंग होगी। अब जो आउटपुट हमें मिलेगा वो शर्ट जो हम पहनते हैं वो होगी, यानी कि फिर स्टिचिंग भी होगी इसके अंदर। फिर हम जो कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा लेते हैं मार्केट से, वो हमें मिल जाता है, चाहे हम मार्केट से लें कपड़ा चाहे हम शर्ट ले लें जो हमें अवेलेबल होती है रेडीमेड, तो वो दोनों ही आउटपुट में मानी जाएगी। इंडस्ट्रियल आउटर रीजन, अब इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पर इंडस्ट्रियल रीजन माना जाता है। इंडस्ट्रियल रीजन अमाउंट व्हेन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेट क्लोज टू ईच अदर एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ देयर क्लोजनेस। इंडस्ट्रियल रीजन क्या होता है, जहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होते हैं एक दूसरे के पास और शेयर करते हैं अपने बेनिफिट, जिससे कि वो पास होते हैं ना, पास होने की वजह से। मोस्ट इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। जो ज्यादातर इंडस्ट्रियल एरिया है वो क्या है, एक तो ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट, एक वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप। ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, आप इस मैप में भी देख सकते हैं, इसमें आपको दिखाया गया है, आप इसमें देखेंगे जो वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है, ये जो थोड़ा सा ऑरेंज ऑरेंज सा लाइट ऑरेंज कलर में ये देखो आइए दिखाया हुआ है, इसको आप देखें, ये वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट है और इंडस्ट्रियल रीजन डार्क कलर में है, ये जितना भी डार्क कलर दिखाया हुआ है ये इंडस्ट्रियल रीजन है। आप पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं कहाँ कहाँ है अपना, ये देखो अगर हम इंडिया में देखें तो ये इंडिया के अंदर देख सकते हैं डार्क रीजन अपने पास आता है, ये एक चेन्नई में, ये इधर मुंबई की तरफ, और ये देखिए ईस्ट से लेके ईस्ट वाला एरिया जो है ये हमारा इंडिया है जिसके अंदर हम ये देख सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल रीजन टेंड टू बी लोकेटेड इन टेम्परेट एरिया, ये टेम्परेट एरिया में होते हैं नियर द सी कोर्ट, समुद्र के सी कोर्ट के पास में, स्पेशली नियर कॉल में, खासकर कॉल के फील्ड के पास। हम देख सकते हैं ये देखिए, अगर हमने इधर मुंबई का एरिया देखे, हम इधर वाली साइड में देखिए मुंबई का एरिया, तो भी ये देखो इधर वाली साइड में अरेबियन सी आ जाता है। अगर इधर हम कोलकाता की तरफ आ जाएं ईस्ट की ओर, तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल आ जाता है। अगर ये चेन्नई देखें तो ये भी इधर वाली साइड में बे ऑफ बंगाल वाली साइड में ही आ जाता है। तो ये देखिए आप देख सकते हैं सी पोर्ट के एरियाज में आते हैं जितने भी हैं, ये भी समुद्री एरिया जो है इसके आसपास में ज्यादा होते हैं, या फिर कोल रीजन के अंदर जहाँ पर कोयला इजीली अपने को मिल जाए। इंडिया हैज सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन, इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे रीजन हैं इंडस्ट्रियल, जैसे कि मुंबई है, पुणे है, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद और बड़ौदा जिसको कहते हैं रीजन, और छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट और विशाखापट्टनम डंपर बेल्ट और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन एंड द कोलम त्रिवंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर। ये सारे एरियाज, ये देखो ये इंडिया के बताए गए हैं, जहां जहां पर आप देख सकते हैं इंडिया के रीजन है ये। ये इंडिया के रीजन है जो कि आपको देख सकते हैं इंडिया के अंदर कौन कौन से रीजन है। इंडिया के अंदर आप देख सकते हैं, एक तो ये देखिए मुंबई का रीजन आ गया, पुणे, बेंगलोर, ये सारा एरिया जो है ना ये उसी से अपने इंडिया के अंदर जितने भी हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है। ये देखिए ये सारा एरिया जो है ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये अपने इंडिया का है, देख लिया आपने, यहाँ यहाँ पर अपने इंडिया की जो पाई जाती है। तो इसके आगे का पोर्शन जो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर,
नेक्स्ट फेज पे आएंगे हम. तो देखिए, हाँ ये देखिए रीजन आपका आ गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज. अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है. वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज आर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. सबसे बड़ी जो इंडिया के वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज हैं वो आयरन की है और स्टील इंडस्ट्रीज है. द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, आईटीआई जिसको कह देते हैं. द आयरन एंड द स्टील एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर द ओल्डर इंडस्ट्रीज वाइल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अमर्जिंग इंडस्ट्री. सबसे पुरानी जो है आयरन की और स्टील, आयरन स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है जो सबसे ज्यादा पुरानी इंडस्ट्रीज है. अब देखिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में हम रीड करेंगे. लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज कंपनीज कंप्राइज वेरियस इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट. दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री हूज प्रोडक्ट आर यूज टू एज रॉ मटेरियल फॉर द अदर इंडस्ट्रीज. अब ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री से टू कंप्राइज वेरियस इनपुट, उसके अंदर भी बहुत सारे इनपुट प्रोसेस और आउटपुट होते हैं. जैसे कि दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री, जिसको ये एक फीडर इंडस्ट्रीज है हूज प्रोडक्ट आर यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज, जिसके प्रोडक्ट जो यूज किए जाते हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के दौर के लिए रॉ मटेरियल के द्वारा, रॉ मटेरियल के बेस में. द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल, द इनपुट फॉर द इंडस्ट्रीज इंक्लूड रॉ मटेरियल सच एज आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन. जो इनपुट है इंडस्ट्रीज के लिए वो हो गया इसमें आयरन और है, कोयला है या फिर लाइमस्टोन है, अलोंग विद लेबर कैपिटल साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर. इसके साथ भी वही चीजें आ जाती हैं जैसे कि आपको बताई गई थी पहले भी, लेबर तो आती आती है इसमें, लेबर हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई और कैपिटल हो गया यानी कि पैसा लगता है उसमें. तो ये मेन चीजें साइट जगह हो गई. तो ये चीजें क्या है इंडस्ट्रीज का इनपुट माना जाता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इंटू स्टील इन्वॉल्व मैनी स्टेजेस. द रॉ मटेरियल इज पुट इंटू द ब्लास्ट फर्नेस, इन द ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोस मेल्टिंग, इट इज देन रिफाइंड. द आउटपुट ऑब्टेन्ड इन स्टील विच मे बी यूज बाय अदर इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल. अब देखो सबसे पहले क्या है इस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होगा, इस इंडस्ट्रीज में होगा कि जो आयरन ओर है उसको कन्वर्ट करना है स्टील में. वो कैसे किया जाएगा, वो उसके लिए भी बहुत सारे स्टेजेस हैं. जैसे पहले जो रॉ मटेरियल है उसको बड़े सारे फर्नेस में यानी कि भट्टी में डाला जाएगा जिससे कि वो मेल्ट हो जाए. सबसे पहले वो मेल्ट होगा, उसके बाद उसको रिफाइन किया जाएगा. रिफाइन करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा वो होगा स्टील का. अब वो स्टील जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज को दे दिया जाएगा जिससे कि वो स्टील का प्रोडक्ट बना सके. अब क्या हुआ, एक इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल आया और उस रॉ मटेरियल को दूसरी इंडस्ट्री के लिए ही रॉ मटेरियल तैयार करके उसके लिए भेज दिया गया. अब क्या हो गया, दोनों ही रॉ मटेरियल हो गए. उस इंडस्ट्रीज के लिए तो आयरन ओर हो गया रॉ मटेरियल, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए जो स्टील था वो रॉ मटेरियल हो गया जो इस इंडस्ट्री में तैयार किया गया. तो ये होता है जो रॉ मटेरियल. तो आपको ये लेसन इतना समझ आ चुका होगा, इसका नेक्स्ट आपको वीडियो में बता दिया जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा. ओके बेटा, बाय.